नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ रूपा। सावन के पावन महीने की शुरुआत 22 जुलाई यानी आज से हो चुका है। शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। उम्मीद करती हूँ आप भी मंदिर जरूर गए होंगे। हिंदू धर्म में सावन के पवित्र महीने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। सावन की शुरुआत होते ही हर तरफ पेड़ पौधों को हरा भरा देखा जाता है। इसके अलावा इस महीने में शादीशुदा महिलाएं भी हरे रंग के कपड़े, गहने, चूड़ियां पहनती हैं। इसी हरे रंग के साथ तैयार होकर महिलाएं शिव मंदिर पूजा पाठ करने के लिए भी पहुंचती हैं। बता दें कि सावन शुरू होते ही बाजारों में उपस्थित दुकानों को भी हरी चूड़ियों से सजा दिया जाता है। वैसे मैंने भी आज हरी चूड़ियाँ पहनी है, हरी दुपट्टे और हरी बिंदी के साथ। ये भी बता दीजिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर हरी चूड़ियों का राज क्या है। तो आप लोग तैयार हैं ना मेरी बात सुनने के लिए? उम्मीद करती हूँ रउआ लोग तैयार ही वानी सुनने के लिए कि आखिर हरी चूड़ियों के पीछे का असली वजह क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं, इसके पीछे का असली कारण है सावन के महीने में ही हर बार देखा जाता है कि चारों तरफ हरियाली हो जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, हरियाली हरियाली नजर आती है। दुकानों को भी देखो तो चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ नजर आती हैं। महिलाएं भी बाजारों में जाके हरी चूड़ियाँ और हरे कपड़े लेना पसंद करती हैं। यहाँ तक कि वो अपने पति देव से भी कहती हैं कि हमें हरे रंग की चूड़ियाँ ला कर दे। हरा रंग उल्लास का प्रतीक कहा जाता है, जो मन को बेहद आनंदित रखता है। और ये भी कहा जाता है कि सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र और धतूरे का रंग भी हरा होता है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को धतूरा और बेलपत्र चढ़ाने से मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। वही प्रकृति का निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से बहुत खुश होते हैं। यही वजह है कि महिलाएं सावन में हरी चूड़ियां पहनती है। हरी चूड़ियों को सुहाग का प्रतीक भी कहा जाता है। वैसे हम जानते हैं कि आप भी आज सावन सोमवार का व्रत जरूर रखी होंगी और हरी चूड़ियां आपने भी जरूर पहना होगा। विधि विधान के साथ आप भी मंदिर गई होंगी और पति की लंबी आयु की कामना भी कर रही होंगी। सावन के पावन महीने में हरी चूड़ियां और हरे कपड़े पहनने से महिलाओं को शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ के दर पर जाने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। इस हालात में लगभग सभी भक्त पूरे महीने शिव पर जल अर्पित करते हैं। तो आप भी भगवान भोलेनाथ की आराधना करना ना भूलें और मेरे साथ बने रहें इंडिया डेली लाइव के साथ, और मुझे बताते रहें कि आखिर सावन के पूरे महीने मैं आपके साथ किस तरह की वीडियो शेयर करूं। नमस्कार।